चलिए जी, आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं शेड्यूल थ्री। सर, ये शेड्यूल थ्री है क्या? शेड्यूल थ्री क्या है जीएसटी के अंदर? तो आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने सेक्शन सेवन पढ़ाया था आपको। तो जब हम सेक्शन सेवन पढ़ा रहे थे, उसका सबसेक्शन टू क्या कह रहा था? सेक्शन सेवन का सबसेक्शन टू क्या कह रहा था कि भाई हम तुम्हारी सारी बात से एग्री करते हैं लेकिन हम एग्री नहीं करते। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा कि सब चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र है, बाटर है, सब कुछ है, कंसीडरेशन है, बिजनेस पर्पज है, सब कुछ है, लेकिन हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। जो जो चीज़ें शेड्यूल थ्री में लिखी होगी, ये एक तरीके से जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट होगी, इनके ऊपर जीएसटी आएगा ही नहीं, ठीक है ना? ये एग्जेम्पशन से भी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ को जीएसटी के दायरे से बाहर करना है तो या तो उसे एग्जेम्प्ट कर दो या उसे शेड्यूल थ्री में लिखवा लो। तो शेड्यूल थ्री में जो लिखा हुआ है वो बातें क्या कहती हैं कि किसी ना किसी कारण की वजह से हम इस पर जीएसटी नहीं लेना चाहते, लेकिन है तो ये सप्लाई पर हम इसे जीएसटी लेना नहीं चाहते और ना ही हम इसे एग्जेम्प्ट करना चाहते। तो भाई जब हमने शेड्यूल थ्री में ही लिख दिया तो एग्जेम्प्ट करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शेड्यूल थ्री में लिखने का मतलब क्या है कि नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या बोलते हैं हम इसे? नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसमें सेक्शन सेवन टू ये कहता है कि अगर इसमें कुछ भी लिखा गया तो ना तो वो गुड्स होगा ना वो सर्विस होगा। और जब कोई चीज़ गुड्स और सर्विस ही नहीं होगी, जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, और हमने उसे कह दिया ना तो गुड्स ना तो सर्विस, तो जीएसटी लगेगी। तो शेड्यूल थ्री में कोशिश करो जल्दी से जल्दी आ जाए, केजे क्लासेस भी आ जाए शेड्यूल थ्री में किसी दिन, ठीक है ना? तो मज़ा आ जाए, ठीक है? क्या लिखा है अब इसके ना, हर किसी के लॉजिक लिखे होंगे। मैंने भी लॉजिक दिया फाइनेंस मिनिस्टर को कि हम बच्चों का भला करते हैं, जीएसटी सिखाते हैं, और जीएसटी हम सिखा रहे हैं तो कम से कम जो जीएसटी सिखा रहे हैं, इनकम टैक्स छोड़ो, जो केजे क्लासेस जीएसटी सिखा रही है उसे तो शेड्यूल थ्री में लिखवा दो। तो अगर ऐसे एंट्री कोई लिखी जाए हमारे लिए तो क्या लिखा होगा? एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड क्लासेस ऑफ जीएसटी ओनली, ठीक है? तो वो शेड्यूल थ्री में होगा, तो मज़ा आ जाएगा नहीं, ठीक है? या फेस टू फेस क्लासेस, ठीक है, पेन ड्राइव क्लासेस, कुछ भी ऐसा लिखवा दे तो मज़ा आ जाएगा। चलो, जो अभी नहीं लिखा वो छोड़ो, ये भविष्य में मैं कल्पना कर रहा हूँ ऐसा कुछ हो, ठीक है? अदरवाइज जो अभी लिखा वो समझो क्या कहता है। कहता है शेड्यूल थ्री स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन एक्टिविटी विच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है? दस द एक्टिविटी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल कैन बी टर्म्ड एज नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी रिजीम इन अदर वर्क नेगेटिव लिस्ट, ठीक है? बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नेगेटिव लिस्ट बताओ, उसने नेगेटिव लिस्ट में अपने दोस्तों का नाम लिख दिया। तो दोस्तों का नाम नहीं लिखना अगर कोई पूछे नेगेटिव क्या है जीएसटी में, ठीक है? नेगेटिव लिस्ट क्या है जीएसटी में, तो किसका नाम लिखना है? शेड्यूल थ्री का। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट डैट अपार्ट फ्रॉम द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थ्री, सम एक्टिविटी हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। हमने दो चीज़ों को बोला था कि जिस पर ना तो गुड्स और सर्विस होगा, पहला तो क्या था जो शेड्यूल थ्री में, और दूसरा क्या था जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। हम दोनों ही पढ़ रहे हैं। वाई डिफरेंट नोटिफिकेशन विच आर आल्सो टू बी कंसिडर्ड एज नॉन सप्लाई, फर्दर सम क्लैरिफिकेशन हैव बीन इशूड क्लैरिफाइंग डैट सर्टेन ट्रांजेक्शन आर टू बी कंसिडर्ड एज नॉन सप्लाई। हैंस अवर डिस्कशन अंडर दिस हेडिंग विज रिजोल्व अराउंड द फॉलोइंग। नॉन सप्लाई जो शेड्यूल थ्री में, नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन, नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू को हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, जिसमें उसने बोला था कि जो जो सप्लाई शेड्यूल थ्री में होंगी, ना गुड्स होगी ना सर्विस, या गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे, या क्या कर दे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे वर्क जो पब्लिक अथॉरिटी में वो कर रही हैं और गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई करा है, तो वो भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो चलो दोनों को ही पढ़ते हैं। तो क्या कहता है,
एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर किसी दिन मेरे से मोदी जी पूछने लगे कपिल 1,00,000 करोड़ रुपये चाहिए GST में, कोई बताओ एक सेक्शन बताओ एक एंट्री बताओ जिसे लगाने से हटाने से GST आ जाए, मैं कहूँगा Schedule 3 में से ये वाली एंट्री को बाहर कर दो. और जिस दिन Schedule 3 में से ये वाली एंट्री बाहर हो गई, लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स आ जाएगा. एंट्री क्या कहती है जरा ध्यान से समझना. एक कंपनी है फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. इस कंपनी में दो दोस्तों का इंटरव्यू हुआ, दोनों दोस्त क्या थे चार्टर्ड अकाउंटेंट. दोनों का कंपनी में इंटरव्यू हुआ, दोनों को कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया. दोनों की सैलरी कितने कितने लाख रुपए थी, 50,00,000. 50,00,000 रुपए की सैलरी थी, ठीक है. अब ये जो बंदा है रामलाल, सीए रामलाल ने कहा मैं 50,00,000 की तुम्हारे से सैलरी लूँगा. कंपनी ने कहा ठीक है तुम मेरे नौकर, आज से तुम मेरे नौकर और मैं तुम्हारा मालिक, और 9 काम नौकरी के और 10वां काम हाजी का. मतलब 9 काम तो तुम्हें नौकरी के करने ही और मेरी हाँ में हाँ भी मिलानी है. इसने कहा जी जी हजूर, और ये कंपनी का क्या बन गया नौकर. बुरा मत मानना नौकरी वालों, सच बता रहा हूँ हकीकत. तो ये कह रहा है जी मैं नौकर तुम मालिक, जो मालिक कहेंगे हम वो करेंगे, और बदले में हम क्या लेके जाएंगे घर पे 50,00,000 रुपये. इस 50,00,000 रुपये पे इनकम टैक्स देंगे लेकिन GST नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे, सर्विस तो दे रहे हो कंपनी को, सर्विस तो दे रहे हो कंपनी को. कह रहे हम तो नौकर आदमी क्यों टैक्स दे तुम्हें. तो क्या लिखा है सर्विस बाय एक नौकर टू हिज मालिक इन द कोर्स ऑफ, ठीक है Schedule 3 में क्या लिखा हुआ है सर्विस बाय नौकर टू हिज मालिक इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट. नौकरी के एग्रीमेंट में जो लिखा गया, जो जो काम तुमने करा, जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, और जाओ हम तुमसे GST नहीं लेंगे. अब रामलाल यहाँ पे नौकरी कर रहा है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नौकरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है बुरा मत मानना इस चीज़ का. अब ये एक दूसरा सीए, ठीक है ना, सीए घमंडी नाम है इसका, ठीक है. अब कंपनी में इंटरव्यू हुआ, इसने कहा हाँ तुम मेरे नौकर मैं तुम्हारा, बोलगा नहीं नहीं नौकर मालिक नहीं, अपन अपनी मर्जी के मालिक है. कह रहे अपनी मर्जी के मालिक हो, कह रहे हाँ तुम्हारा GST का जो काम करना है करेंगे, जो तुम्हारा काम करना है करेंगे, लिख दो बस. पर नौकर नहीं बोलने का, काम वही करेंगे जो रामलाल कर रहे हैं, लेकिन करेंगे किसमें अपने स्टाइल में. आई एम द कंसल्टेंट, आई एम द प्रोफेशनल. क्या क्या बोला इसने, मैं कंसल्टेंट हूँ मैं प्रोफेशनल हूँ. तुम एग्रीमेंट में लिख दिया कि सुबह 10 बजे आऊँगा शाम को 6 बजे जाऊँगा ये काम करूँगा, लेकिन फालतू नहीं बोलना. क्या नहीं है नौकर नहीं बोलना, कंसल्टेंट के सारे काम करूँगा, हाँ जी हाँ जी नहीं करूँगा. कंपनी ने कहा ओके, और इसने कंपनी को ज्वाइन करा. अब ये क्या करता है 50,00,000 का बिल देता है, क्या इस पर GST लगाएगा या नहीं लगाएगा. हाँ तो यहाँ पर अब आप बात को समझ में आया कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, तो इन्होंने कहा हिंदुस्तान में नौकरी पेशे वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जिनकी 20,00,000 से ऊपर सैलरी होगी, और हम इनमें इनसे हम इनकम टैक्स तो ले ही रहे हैं इनकी खाल खींच के, ठीक है. तो इन पे GST का बर्डन नहीं डालेंगे, नहीं तो इन्हें GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ये वो सारे फलाना, तो इन पे GST नहीं लगेगा. लेकिन ये सारी जो सर्विस है ये किसके अंदर होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के. ऐसी एक नौकरी मैंने कर ली, मैंने भी नौकरी करी. अब नौकरी में लिख दिया था मुझे कि आपको 10 बजे आना है 7 बजे जाना है और GST पढ़ाना है, ये सब चीज़ें मैं नौकरी कर ली. अब एक दिन डायरेक्टर कहने लगा मुझे उस कंपनी का, कपिल घर पे आके मेरे बेटे को पढ़ा दो. संडे को क्या करते हो, मैं कुछ भी करता हूँ. मैं कह रहा नहीं मेरे बेटे को पढ़ा दो. मैं उसके बेटे को पढ़ाने चला गया, बदले में मैंने कहा 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, बताओ इस पर GST आएगा या नहीं आएगा.
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी सर्विस देते हो एज एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर वो उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन से है, किससे रिलेशन है, तो जब मैंने एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट करा था ये बात नहीं करी थी कि तुम्हारे बेटे को पढ़ाऊंगा, तो ऐसी सर्विसेज पर क्या आएगा, जीएसटी आएगा। ऐसी सर्विसेज शेड्यूल थ्री में नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस तरह की सर्विस थी और ये हमारे एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो क्या ये शेड्यूल थ्री में आएगी, आंसर इज नो। अब एक ना फेमस केस चल रहे हैं, वो केस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, हालांकि हाई लेवल है। एक कंपनी है मान लो फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक डायरेक्टर है मान लो अर्चना जैन। क्वेश्चन को समझना, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, नौकर या मालिक, हाँ ये कह रहे मालिक। अब तुम्हें कंपनी एक्ट ही नहीं पता, अरे जब कंपनी एक्ट तुम पढ़कर आए होंगे तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टर आर द नौकर और शेयर होल्डर आर द मालिक, तो डायरेक्टर क्या होते हैं, कौन होते हैं, डायरेक्टर आर द नौकर। अब जब ये नौकर होते हैं तो इन्हें एक मंथली सैलरी मिलती होगी, जो भी है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जिसे बोलते हैं। हाई क्वालिटी के नौकर होते हैं, होते नौकर ही, ठीक है, ठीक है। तुम्हें पता है मैं टाटा मोटर का मालिक हूँ, मैंने शेयर खरीदे, और जब वहाँ वो डायरेक्टर है वो लोग क्या है, नौकर, ठीक है, लेकिन हाई क्वालिटी के, ठीक। अब क्या हुआ, ये फिनटेक छोटी कंपनी की बात करते हैं, अर्चना जैन इस डायरेक्टर और नौकर है ये, इन्हें महीने के साल के 50 लाख रुपए मिलते हैं सैलरी रेमुनरेशन या 20 लाख मिलते हैं। अब हुआ क्या, कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ गई, कंपनी को किसकी ज़रूरत पड़ गई, लोन की ज़रूरत पड़ गई। कंपनी ने कहा भाई लोन दे दो, ठीक है, यमुना बैंक गए, ठीक है, ठीक है, लोन लेने, ठीक है, यमुना बैंक गए लोन लेने, ठीक है, कोई सा भी मान लो, यमुना मान लो, यस मान लो, कोई भी बैंक मान लो, ठीक है, यहाँ लोन लेने गए। उन्होंने कहा लोन तो दे देंगे कंपनी को 5 करोड़ का, लेकिन अर्चना जैन तुम गारंटी ले लो, अर्चना जैन क्या ले लो, तुम गारंटी ले लो। अर्चना जैन ने कहा ठीक है यार, अपने तो नौ काम नौकरी के 10वां काम आज ही का। अर्चना जैन ने क्या करा, डायरेक्टर के तौर पर क्या ले ली, गारंटी ले ली, राइट, गारंटी ले, कोई दिक्कत क्या, अर्चना जैन इसके पैसे ले रही होंगी क्या गारंटी लेने के, अमूमन नहीं ले रही होंगी, हो सकता है वो कंपनी में थोड़ी बहुत मालिक भी हो, लेकिन मान रहे डायरेक्टर है, गारंटी ले ली और कोई पैसे नहीं ले रही। लेकिन अगर ये गारंटी कोई दूसरा व्यक्ति लेता, या मान लो पीएनबी बैंक के पास जाती फिनटेक्स कंपनी की, मेरी गारंटी ले लो मुझे यस बैंक से लोन लेना है, तो पीएनबी बैंक पैसे लेता उसके या नहीं लेता। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या करा, अर्चना जैन को नोटिस भेज दिया, कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया जिसकी तुमने गारंटी ली, और मेरे हिसाब से गारंटी का जो रेट चल रहा है 2% चल रहा है, तो तुमने इस तरीके से 10 लाख की सर्विस दी है, किसे दी है, कंपनी को, डायरेक्टर ने किसे सर्विस दी है, कंपनी को, है 10 लाख की जगह 10 करोड़ का अमाउंट इमेजिन कर लो, और आप इस पे जीएसटी दो, बताओ गवर्नमेंट सही है या गलत है, बोलो, हाँ गवर्नमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये क्या कह रहा है अर्चना जैन क्या कह रही है, मैं तो नौकर हूँ कंपनी की, और ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कई बार होता है कि गारंटी भी दे सकते हैं, तो मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं दी। तो इसलिए शेड्यूल थ्री की एक एक एंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एक पहली एंट्री पे टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समझ आ रही है मेरी बात या नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। Amount received by an employee from the employer or premature termination of contract of employment are treatable as amounts paid in relation to service provided by the employee to the employer in the course of employment. अब हुआ क्या, अभी ट्विटर ने
उसे हटाया ना अग्रवाल को, कौन है, कौन से अग्रवाल को हटाया, पराग अग्रवाल को ट्विटर ने हटा दिया। ट्विटर ने जब पराग अग्रवाल को हटा दिया, एकदम से हटा दिया उसे या नहीं हटा दिया? हाँ, तो कुछ पैसे वैसे देंगे पराग अग्रवाल को? हाँ, कुछ पैसे वैसे दे रहा होगा ट्विटर? हाँ, 314 करोड़ रुपये उसे दे रहा। अब अग्रवाल क्या कर रहे हैं, पराग अग्रवाल इन 314 करोड़ से, अरे अग्रवाल स्वीट नहीं खोल ले। अब 314 करोड़ रुपए पराग अग्रवाल को मिले ट्विटर से। अब अगर ये केस इंडिया का हो और 314 करोड़ पराग अग्रवाल को मिले, तो जीएसटी डिपार्टमेंट पराग अग्रवाल से कह रहा है जीएसटी लाओ। वो कह रहा भाई नौकरी से निकल गया तो जीएसटी मांग रहा है। कह रहा भाई साहब अपने को नहीं पता, कंसीडरेशन मिला है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, दुखी आदमी है बेचारा, मत लो इससे, क्योंकि ये क्या करा है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन है। क्या है जी? प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेबल एज अमाउंट पेड इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड, कि अमाउंट ऐसा माना जाएगा कि उसने नौकरी में ही मिला है उसे, तो इस पर जीएसटी नहीं आएगा, शेड्यूल 3 में ही बना रहेगा। क्लियर है? यानी अगला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव्स वेजेस ऑन डेली बेसिस, किस पे दे रहा है जी बेसिस? तो डेली बेसिस के वर्कर होते हैं, ठीक है, आर सर्विस प्रोवाइडेड वर्कर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर डेली बेसिस पर भी किसी को तनख्वाह मिल रही है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कैजुअल वर्कर किसमें है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और हिम आर सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिमिलरली कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयमेंट बाय सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू ए क्लाइंट आल्सो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपका चाहे कैजुअल वर्कर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो, या सिक्योरिटी गार्ड हो, वो सब के सब किस में आएंगे भाई, बोलो? हाँ, शेड्यूल 3 में आएंगे, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। कहता है ओनली सर्विस डेट आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द रिलीम ऑफ सप्लाई, हाउएवर सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए कंसीडर्ड वुड क्वालिफाई ए सप्लाई। जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाया था ना, डायरेक्टर के बच्चे को वो माना जाएगा सप्लाई, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं मानेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय ए पर्सन टू अनदर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आर नॉट सर्विस प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हुआ, भाई तुम्हारी कंपनी है, तुमने मुझे हायर करा, हमारा एग्रीमेंट हुआ, हमने सर्विस दी, तो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता कभी भी। जैसे मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, घमंडी लाल का, समझ आ रहा? कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर नॉट जॉइनिंग ए कम्पिटिटिव बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फॉरबियंस टू द एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो 314 करोड़ रुपये मिल रहे हैं पराग अग्रवाल को, तो ट्विटर ने क्या बोल दिया कि 314 करोड़ दे रहे हो, लेकिन बात सुन ले, फेसबुक ज्वाइन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फेसबुक ज्वाइन नहीं करेगा, लिंक्डइन ज्वाइन नहीं करेगा, गूगल ज्वाइन नहीं करेगा, यूट्यूब ज्वाइन नहीं करेगा, इन्हें ज्वाइन नहीं करेगा। तो कह रहा क्या करेगा, कह रहा अग्रवाल स्वीट खोल ले, पर ये ज्वाइन नहीं करेगा। अब आप बताओ, 314 करोड़ में से 150 करोड़ तो दे दिया उसे इसके लिए कि जा मैंने जो पहले निकाल रहा हूं, तो 150 करोड़ तो इस चीज के, लेकिन 150 करोड़ किस बात के, तो कहीं पे ज्वाइन नहीं करेगा। वो कह रहा भाई साहब मैं मालिक हूँ अपना, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूँगा। कह रहा मैं 150 करोड़ दे रहा हूँ ना, ये ज्वाइन मत कर, चाहे तो अग्रवाल स्वीट खोल ले जाके, पर ये ज्वाइन मत कर। तो सेक्शन 7 अभी सप्लाई पढ़कर आए थे हम या नहीं आए थे? तो क्या ये उसके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था? आंसर इज नो। तो उन्होंने क्या बोला, एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट जॉइनिंग ए कम्पिटिटिंग बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फॉरबियंस टू एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो उस 150 करोड़ पे पराग अग्रवाल को जीएसटी देना पड़ जाएगा। समझ में आ रहे हो? 300 करोड़ मिले, 150 करोड़ किस चीज के मिले? चल तेरे को पहले ही निकाल ले, तो वो माना जाएगा कि चलो ठीक है, नोटिस पीरियड में था। और 150 करोड़ किस बात के मिले? कि उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में नहीं आनी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें 150 करोड़ कोई देगा, ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ लेना, ठीक है। अब इसके बाद पहली क्लियर हो गई भाई एम्प्लॉयमेंट वाला। मैंने इस पर इतना टाइम इसलिए लगाया, आधा घंटा इसलिए लगाया, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेज हैं कि शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है, ये सप्लाई होगी या नहीं, ठीक है। अगली चीज, तुमने कोर्ट देखे होंगे, हाँ, कभी तुमने ऐसा देखा है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, तुम्हारा चलान कटा 1000 रुपये का, कह रहे 1000 प्लस जीएसटी लिया, हाँ। तो हमने कहा ये कोर्ट क्या करते हैं, सर्विस तो दे रहे हैं ये भी या नहीं दे रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रही, किस चीज़ की सर्विस दे रहे, न्याय की सर्विस दे रहे। गवर्नमेंट ने कहा यार इनसे क्या करेंगे, न्याय वैसे ही महंगा हो जाएगा, ठीक है। जब भी तुम किसी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाते हो, चाहे हाई कोर्ट में लगाते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लगाते हो, चाहे ट्रिब्यूनल में लगाते हो, तो वहाँ पर एक फीस लगती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा उस फीस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि हम ये सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन हम इसे किस में लिख दे रहे हैं, शेड्यूल 3 में। तो सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स, तो कोर्ट इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाओ, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। अब मोदी जी कौन है, देश के प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल कौन है, देश के मुख्यमंत्री? और ये लड़ाई करते रहते कि हमें सेवा करने का मौका दो, कि हम सेवा करेंगे, तो सेवा पर तो जीएसटी है ना, सर्विस पर जीएसटी है नहीं है? तो जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं, ये सब क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, देश की। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है जीएसटी लिया, कह रहा हमसे जीएसटी, हम ही लो बनाए हमसे जीएसटी। तो इन्होंने अपना नाम कटवा लिया, क्या लिखा, फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी। कि अगर ये लोग कुछ भी सर्विस दे रहे हैं, ये किसके अंदर आ रही है, शेड्यूल 3 में, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मोदी जी ने सर्विस दी देश को, सेवा करी देश की, बदले में उन्हें साल के 50 लाख रुपए मिले, तो उस पर जीएसटी आएगा या नहीं, तो क्या बोलोगे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में है, फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ रहे हो। दूसरी, ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन द परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। संविधान के अंदर कोई कैपेसिटी के अंदर उसने जॉब ली है, जैसे ड्यूटी परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी, अगर उन्होंने कोई ऐसी सर्विस दी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इलेक्शन कमिश्नर, CAG, दिस, ये सारे लोग जो पोस्ट ले रहे हैं वो किसकी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो इन पर भी कोई GST नहीं आएगा। ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन इन द चेयर पर्सन और ए मेंबर ऑफ डायरेक्टर बॉडी एस्टेब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड टू एनी एम्प्लॉई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लोज, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा चेयर पर्सन है, मेंबर है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बॉडी एस्टेब्लिश करी है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी GST नहीं आएगा। अगला, ये थर्ड वाला क्लियर हो गया आपको, सेकंड वाला कोर्ट था, थर्ड वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, या कोई चेयरपर्सन जो ऐसी बॉडी एस्टेब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चौथा क्या है,
सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रेनमोल मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। एक व्यक्ति ओला उबर चला रहा था, ओला उबर में उसे पेशेंट ही नहीं मिल रहे, क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, उसने उसे क्या कर दिया, एम्बुलेंस का रूप दे दिया और उस एम्बुलेंस पे लिखा अंतिम यात्रा। क्या लिखा जी? अंतिम यात्रा। ओला पे बुक करिए कभी तुमने अंतिम यात्रा? हाँ, कभी बुक करके देखना, उसमें आता है अंतिम यात्रा। ठीक है, अंतिम यात्रा का मतलब क्या है, इसमें कौन जाएगा? हाँ, डेड बॉडीज जाएंगी। तो अगर तुम ओला में तुम जिंदे गए तो GST लगेगा या नहीं लगेगा? और अगर अंतिम यात्रा में गए तो GST लगेगा? नहीं लगा, क्योंकि अंतिम यात्रा तो वही कर रहा है, वो कहाँ से देगा GST? समझ आई मेरी बात या नहीं? क्लियर है या नहीं? तो अगर तुम्हें GST से बचना है तो ओला उबर भी अगर चला रहे हो तो कौन सी चलाना? अंतिम यात्रा वाली चलाना, तो तुम पे GST नहीं लगेगा। ठीक है, इन्होंने ये सारे, चाहे उसे दफना दो, चाहे जला दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, या मोर्चरी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, 12 से 6 मैक्स हॉस्पिटल ने रखा अपने यहाँ पर, 20,000 रुपये ले लिए। ठीक है, क्यों ले लिए? मोर्चरी के। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई डाउट है? ये फिफ्थ वाला आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब शेड्यूल 2 कराऊंगा, अभी हम शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं, जब शेड्यूल 2 कराऊंगा तब भी इसे समझाऊंगा, इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है ये। क्या होता है कि इस चीज़ को समझिएगा, आजकल तुम ऐड देख रहे होंगे नोएडा एक्सप्रेस वे पर, नोएडा एक्सप्रेस वे पर शानदार सपनों का घर, आसान किस्तों में मिल रहा है, जल्दी से जल्दी आइए और नोएडा एक्सप्रेस वे पर अपना घर बनाइए। ऐसी कॉल आती है आपको? मेरे को भी कॉल आई, मैं चला गया जो लोकेशन उन्होंने बताई। अब वहाँ पे मैं लोकेशन पे जब गया तो वहाँ पे बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। मैंने कहा कहाँ है सपनों का घर मेरा? तो वहाँ पे एक टेंट में बैठे हुए वो लोग, उन्होंने कहा देखो अंदर आओ, यहाँ पर देखो बालकनी होगी, यहाँ पर घर होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे बच्चे होंगे, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। बुकिंग चालू है। क्या लिखा? बुकिंग चालू है, अभी बुक कराएं और 10 साल बाद 5 साल बाद घर ले जाए। तो मैंने कहा कर क्या रहे हो तुम? कह रहे तुम्हें नहीं पता सपनों का घर बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने 10 लाख रुपए दे के वो घर बुक करा लिया। अब जब मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए तो क्या वहाँ पर कोई फ्लैट था? नहीं था। उसने मुझे पेमेंट टर्म में बता दिया कि 10 लाख अभी दो बुकिंग अमाउंट, उसके बाद जैसे ही हम नींव डालेंगे 5 लाख फिर ले आना, जैसे ही हम पहले पिलर डालेंगे 5 लाख फिर ले आना, जैसे ही दीवारें खड़ी कर देंगे 5 लाख फिर ले आना, जब प्लस्तर कराएंगे 5 लाख फिर ले आना, फर्निशिंग कराएंगे तब 5 लाख फिर ले आना, घर में आने से पहले सारे दे देना, बस रजिस्ट्री कराओगे तब। तो मैंने कहा तुम मूर्ख नहीं बना रहे, जो तुम मेरे से 10 लाख रुपए ले रहे हो इसका मतलब तुम मेरे से जमीन के पैसे ले रहे हो। किसके पैसे ले रहे हो? और जमीन के पैसे मैंने तुमसे जमीन खरीद ली, और जो जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस उन पैसों को लेकर तुम मेरा घर बना रहे हो, तो एक्चुअल में कर क्या रहे हो तुम? आप मुझे फ्लैट नहीं बेच रहे, आप मुझे फ्लैट पोजेशन करके नहीं बेच रहे, कंप्लीट करके नहीं बेच रहे, आप मुझे सर्विस दे रहे हो मेरे फ्लैट को डेवलप करने की। वो बात अलग है, मेरे जैसे 1,000 लोग तुम्हें मिल गए और सबसे पैसे लेके उन्हें सर्विस दे रहे हो, और तुमने तो सिर्फ खरीदी क्या है अभी जमीन। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर इस तरह की कोई सर्विस होती है तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि ये बिल्डर दे रहा है तुम्हारे, और इस सर्विस पर हम GST लेंगे। इस सर्विस पर हम क्या लेंगे? क्योंकि बिल्डर ने क्या तरह की सर्विस दी तुम्हारे को? घर बनाने की सर्विस दी, राइट? लेकिन होता क्या है, ऐसे करते करते उसने 1,000 फ्लैट बना लिए, लेकिन सब तो उसके बहकावे में नहीं आए। बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, 900 लोग उसके बहकावे में आ गए थे। कितने लोग आ गए थे उसके बहकावे में? 900 लोग उसके बहकावे में आ गए थे। फिर मैं गया, जब पूरा सपनों का घर बन गया, सब कुछ दिख गया, मैंने कहा भाई बिक नहीं रहा तुम्हारा सपनों का घर? कह रहे बिक जाएगा, बिक जाएगा।
फ्लैट बन गया सारा रेडी है, लेकिन किसके पास है? बिल्डर के पास है। किसके पास है? नोएडा अथॉरिटी बार बार उसे कह रही है फटाफट इसकी रजिस्ट्री करा, बेच इसे, फटाफट रजिस्ट्री करा, बेच, क्योंकि उन्हें पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा कपिल सर फ्लैट खरीदोगे? मैंने कहा ये बात हुई, ये अब तुम क्या बेच रहे हो? फ्लैट। और जब मैं इस फ्लैट को खरीदने जाऊंगा तो उसकी कीमत होगी लेट सपोज 1 करोड़, लेकिन जब तुमने 5 साल पहले खरीदा था शायद तुम्हें वो फ्लैट कितने में मिल गया हो? 60 लाख में, 70 लाख में, ऐसा हो सकता है या नहीं? क्योंकि तुमने फ्लैट नहीं खरीदा था, तुमने पहले जमीन खरीदी थी और जमीन पे फ्लैट को बनवाया था और तुमने रिस्क भी अपने साथ लिया था, राइट? लेकिन अब मेरा तो कोई रिस्क नहीं, मुझे तो सामने बिल्डिंग दिख रही है, फ्लैट दिख रहा है, तो वो मुझे महंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब 1 करोड़ का व्यक्ति क्या बेच रहा है? फ्लैट बेच रहा है। पहली बात तो इसे वैसे ही महंगा मिल रहा है, और इस 1 करोड़ की जब रजिस्ट्री होगी, जब इसकी क्या होगी, 1 करोड़ की जब इसकी रजिस्ट्री होगी तो ये हमें वैसे ही स्टैम्प पेपर पे पैसे आ गए, स्टैम्प ड्यूटी आ गई हमारी। तो ऐसी बिल्डिंग्स को जो कंप्लीट होकर बिकती हैं उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और इसे किस में रखा गया है? शेड्यूल 3 में। लेकिन अगर कोई सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हुई है पार्ट बी पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, यहां पर क्या लिखी हुई है कि बनते बनते बिल्डिंग बिक गई, क्या लिखा है जी? उसे कह रहा है वो नहीं, कहता सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। तो अगर कोई बनते बनते बिकेगा, समझ रहे हो, वो किसमें जाएगा? सप्लाई में। किसमें जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या होगा जी? और उस पर GST आएगा। तो कभी भी बना बनाया मकान खरीदोगे क्या फायदा है? GST नहीं लगेगा। बनते बनते खरीदोगे GST लगेगा। बनते बनते खरीदोगे सस्ता मिलेगा, बनने के बाद खरीदोगे महंगा मिलेगा, लेकिन GST नहीं लगेगा। तो अब फायदा भी है नुकसान भी है। तो इन्होंने क्या बोला, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है भाई? GST के दायरे से बाहर है, क्योंकि जब सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होती है तो अपने को वैसे ही स्टैम्प ड्यूटी से टैक्स मिल जाता है। तो मैंने ऑफिस खरीदा, ऑफिस बेचा, क्या GST आएगा? नहीं। लेकिन अमरपाली ने ऑफिस बेचा बनते बनते, GST आएगा, ठीक है? तो वहां पर लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? ये शेड्यूल 2 में। किसमें लिखा हुआ है? क्लियर हो गई यहां पे। इसके बाद क्या कहता है, एक्शनेबल क्लेम। क्या लिखा है जी? एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मेरी लॉटरी लग गई, मैंने गैम्बलिंग करी, उसने कहा GST दो। क्या बोला जी? मेरी लॉटरी लग गई तो उस पर GST आएगा। लेकिन अगर कोई और एक्शनेबल क्लेम है अदर देन किसके, लॉटरी है, उस पर GST नहीं आएगा। जैसे लेट सपोज मैंने विवेक बिंसल को 50 लाख रुपए दिए, अब ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो मैंने सोनू को बोल दिया कि भाई ऐसा है कि इससे 50 लाख रुपए ले लियो, बदले में तुम मुझे 40 दे दे, ठीक है? अब क्या करेगा सोनू, उससे बदले में 50 ले लेगा, जैसे मर्जी ले, तो अब सोनू का राइट हो गया ना। तो इस तरह के जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के जो एक्शनेबल क्लेम किसी भी तरह का, जैसे मान लो मेरी गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुकने के बाद मुझे एक्शनेबल क्लेम मिला, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, उस पर GST नहीं आएगा। क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम आर स्पेसिफिक इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 252। एक्शनेबल क्लेम हमेशा गुड्स की डेफिनेशन में है, ठीक है ना, एंड गुड्स गिवन अंडर द हेडिंग रेलिवेंट डेफिनेशन। हाउएवर दिस पैरा ऑफ शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग फ्रॉम द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। को जॉइंट रीडिंग ऑफ सैड प्रोविजन इंप्लाइज दैट ओनली लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई, ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम आर द आउटसाइड ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सम ऑफ द एग्जाम्पल और एक्शनेबल क्लेम क्या, राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी, बता दिया मैंने कि इंश्योरेंस मनी, क्लेम फॉर अरियर ऑफ रेंट, मान लो रेंट का जो अरियर मुझे मिला, क्लेम फॉर फ्यूचर रेंट, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड, राइट टू बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ETC। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं,
एक्शनेबल क्लेम में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, सिंपल पूछेगा एक्शनेबल क्लेम है शेड्यूल थ्री में, ठीक है। आप बोल दोगे ये सप्लाई नहीं है, क्लियर हो गई ये वाली बात या नहीं? हाँ जी, अगर एक्शनेबल क्लेम कोई लॉटरी का है, भाई तुम्हारी लॉटरी लग गई, 50 लाख मिल रहे, 1 करोड़ मिल रहे, उस पर GST आएगा, समझ आया या नहीं है? ठीक है, तो बाकी एक्शनेबल क्लेम आपको अगर कहीं और रीड करना है तो वो कर लेना, मैंने सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ के लिए इतना बता दिया, ठीक है। तुम्हारे से ये नहीं पूछेगा यहाँ पर कि एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है, बस तुम्हें तो यहाँ पर ये बता देगा कि एक्शनेबल क्लेम है भाई, GST आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था 7(2)(b) में, ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, अगर कोई ऐसे फंक्शन कर रही है, कौन से फंक्शन कर रही है, पब्लिक अथॉरिटी वाले, कौन से फंक्शन कर रही है, पब्लिक अथॉरिटी वाले, तो वो भी सप्लाई नहीं माने जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन। तो कहते हैं गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई द एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडरटेक बाय द सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टिल नाउ। ये एक्टिविटीज़ को इन्होंने नोटिफाई करा है। पहला क्या है, एक्टिविटी रिलेशन टू द पंचायत म्यूनसिपल फंक्शन। कहते हैं सर्विस बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन एंट्रस्टेड टू ए पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, ठीक है, अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई और नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे तुमने एक देखा होगा गुड़गावा है, गुड़गावा म्यूनसिपल है, वो क्या करेगी, अपने यहाँ पर नालियों की सफाई कराएगी, गलियों से कूड़ा उठाएगी, या MCD है, ठीक है। अब कहने को तो ये भी सर्विस दे रही है, हो सकता है या नहीं, लेकिन क्या ये पैसे लेती है हमसे, नहीं लेती। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो सर्विस दे रही है भाई, इस पर GST नहीं लेना, इसे किस में डाल देना, अपने आप को शेड्यूल थ्री में, नहीं सेक्शन 7(2) में, क्योंकि उन्होंने कहा ये फंक्शन हम किसके लिए दे रहे हैं, पब्लिक कैपेसिटी में दे रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि पंचायत, जो भी तुम फंक्शन कर रहे हो, कौन से, जो भी हमारे संविधान में लिखे हुए 243G और 243W, इन्हें पढ़ोगे ना तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आएगा कि भाई पंचायत ने फंक्शन करा अंडर सेक्शन, अंडर आर्टिकल 243G या म्यूनसिपैलिटी ने 243W, ठीक है ना, तो क्या है सप्लाई मानी जाएगी, आंसर इज नो। क्यों नहीं मानी जाएगी, शेड्यूल थ्री की वजह से नहीं, 7(2)(b) की वजह से, किसकी वजह से, 7(2)(b), क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई करा, तो इस पर GST नहीं आएगा। ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। अब क्या होता है कि जो एल्कोहलिक लिकर होती है, शरबत, मीठा शरबत, ठीक है तो ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, तो इसके जो लिकर के ना लाइसेंस सेल होते हैं, तुम्हें देख पता ना, हमारे सतेंद्र जैन जी शायद इसी की वजह से अंदर है, हाँ दिल्ली में, हाँ पता या नहीं पता, हाँ इतना तो पता रखा करो। तो ये लाइसेंस सेल होते हैं, ठीक है, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। तो जब ये गवर्नमेंट लिकर लाइसेंस बेच रही होती है, तो फ्री में बेच रही होती, पैसों में बिक रहे होंगे लाइसेंस, तो GST वाले कह रहे टैक्स लाओ टैक्स, वो कह रहे नहीं नहीं भाई साहब टैक्स नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सर्विस हमने क्या कर दी, नोटिफाइड कर दी, किसमें नोटिफाइड कर दी, 7(2), कहता सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पर GST नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इन पर GST लग जाता या नहीं लग जाता, बोलो। हाँ जी, बस आपको IPCC लेवल पर इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, और इससे आगे आपको नहीं पढ़ना, इससे आगे आपको जो पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है, फाइनल लेवल पे पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है जी, फाइनल लेवल पे। अरे सर अभी बता दो थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा बता दूँ अभी तुम्हारे को, थोड़ा सा ये बता देता हूँ तुम्हारे को कि जैसे सपोज करो एक व्यक्ति इंडिया का है, वो क्या करता है, चाइना से माल खरीदता है और अमेरिका को बेच देता है, क्या करता है, चाइना से खरीदा और किसे बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया, इंडिया में माल मंगाते ही नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाई सी सेल्स, क्या बोलते हैं हम इसे,
हाई सी सेल्स। तो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कहाँ से खरीदा, चाइना से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इन टू इंडिया। इंडिया में आए बिना उसे बाहर की बाहर बेच दिया। तो ये क्या आती है, शेड्यूल थ्री की सप्लाई क्या आती है, इस पर कोई जीएसटी नहीं आता। इसी तरीके से जब आप कस्टम पढ़ते हो तो इंडिया के अंदर कई बार ऐसा होता है कि चाइना से माल लेकर आ रहा था और यूएस या उसे बेचना था कहाँ पर, ठीक है, अभी किस किस का युद्ध चल रहा है, रशिया का, उसे चाइना से खरीद के किसे बेचना था, रूस को। अब चाइना से माल चल दिया, रूस को बेचना था, रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब वो तो रूस कह रहा है अभी नहीं खरीद रहा भाई, मैं वो कह रहा भाई साहब मैं कहाँ रखूँ, मैं तो काम ही यही है कि चाइना से खरीदूंगा और कहाँ बेचूंगा, रूस को बेच दूंगा नहीं। तो इंडिया वाले क्या कहते हैं कि हमने ना तुम्हारे लिए ना एक वेयर हाउस बना रखा है। क्या बना रखा है, वेयर हाउस। वो क्या होता है, जो कस्टम होता है ना, जहाँ पर पानी का जहाज उतरेगा वहीं पर होता है, ऐसा नहीं शहर के अंदर, कहते यहीं पर होता है, यहीं पर पानी के जहाज से उतार के रख लेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि जहाज तो खाली करना है ना, जब तुझे दोबारा यूएस भेजना होगा तो यहाँ से भेज दियो, लेकिन इसे अभी निकलवा मत अपने घर के लिए। तो ऐसे गुड्स भी एक तरीके से क्या माने जा रहे हैं, हाई सी सेल्स ही माने जा रहे हैं। तो कह रहा है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, कि आपने ऐसे गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं कराए, ठीक है ना, अभी गोडाउन में ही रखे हुए, तो वो भी क्या मानी जाती है, एक तरीके से शेड्यूल थ्री की। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन एंडोर्समेंट बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स हैव बीन डिस्पोज फॉर दम पार्ट ऑफ ओरिजिनल लोकेशन बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। मतलब कि माल आ रहा है चाइना से, मैंने फ़ोन कर दिया, देख रहे हो बड़ा बेहतरीन माल आ रहा है मेरे पास, सैंपल दिखाओ तुम्हारे को, उसने कहा हाँ। अब वो इंडिया में आया ही नहीं, उसने कहा चल ठीक है, पानी के अंदर ये माल किसका हो गया, मेरा हो गया। तो ऐसी जो भी सेल मानी जाती है इन्हें क्या बोलते हैं, हाई सी सेल्स। क्या बोलते हैं, तो पहले सिर्फ ये 7 नंबर में थी, अभी से किस में भी ऐड कर दिया गया, 8 में भी। तो ऐसी जो भी 7 और 8 वाली चीज़ें तुम्हें फाइनल लेवल पर पढ़नी है, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, वो भी किसके अंदर आती है, शेड्यूल 3। समझ आ गई कहानी यानी। तो ऊपर हमने सारी एक्टिविटी पढ़ ली भाई, नोटिफिकेशन वाली भी पढ़ ली, ठीक है, 6 नंबर तक यहाँ भी पढ़ ली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने शेड्यूल 3 को, ठीक है, हमने क्या करा जी, शेड्यूल 3 को क्लियर कर लिया। ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर एल्कोहलिक लीकर पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ी। फिर भी एक बार तुम्हें और डिटेल में पढ़ा दूँ, तुम्हें सत्येंद्र जैन जी का किस्सा समझ आ जाए, दिल्ली के, सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन। तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, केजरीवाल के आदमी, मैं जो सचमुच में है वो है, ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता सच में गए अंदर झूठ में गए, ठीक है, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं, मोदी जी वाला आ जाता है तो मोदी जी के जो भक्त होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, केजरीवाल वाले आ जाते हैं केजरीवाल, कुछ राहुल गांधी वाले। मेरा पर्पज क्या है तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हें दिमाग में आए, तुम प्रैक्टिकल लाइफ से क्या कर पाओ, कोरिलेट कर पाओ, नहीं तो भाई मोदी जी भी बढ़िया, केजरीवाल भी बढ़िया, राहुल गांधी भी बढ़िया, सब बढ़िया, मेरा पर्पज क्या है सिर्फ। तो एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस आया तो मैंने किसका एग्जांपल दे दिया, क्योंकि उनकी खबर है, समझ में आ रही है, तुम कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता सत्येंद्र जैन कौन, अरे दिल्ली के हैं भाई साहब, उन्हें अंदर किया गया है इसी के मामले में कि लाइसेंस उल्टे सीधे बेच दिए। तो क्या कहता है, सच लाइसेंस इज ग्रांट अगेंस्ट कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फी और बाय वट एवर नेम इज कॉल्ड। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के लाइसेंस बेचती है, अभी पीछे हल्ला हो रहा था कि हर दिल्ली में हर गली में शराब की दुकानें बना दी, और ऐसी दुकानें बनाई थी भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा था 5-स्टार होटल है। एक दिन मैं चला गया उसके पास, दूर से देखा तो 5-स्टार होटल लग रहा था, देखिए तुमने यानी देखने जाके, ठीक है, बिल्कुल नए नए शीशे, बिल्कुल पहले तो जाली वाली होती थी, ठीक है, उसमें तो बिल्कुल शीशे VIP एकदम लग रहा था, ठीक है, जैसे एयरपोर्ट पे आ गए बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो कहता है दिस स्पेशल डिस्पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस
बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, हैंस दिस इज नॉट एप्लीकेबल, हैज नो प्रीडेंस वैल्यू इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंस एंड प्रिविलेज फॉर फीस इन अदर सिचुएशन वी आर जस्टिस पेबल. इट मो बी नोटेड एट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज लाइसेंस नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ फीस रॉयल्टी आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी. टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द बिजनेस एंटिटी टू सच सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज. तो यहाँ पर देखो इस लाइन से हमें और क्लियरिटी आ गई कि यहाँ पर जो ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर एल्कोहलिक लिकर है, ये जो सर्विस है, ठीक है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है वो गुड्स और सप्लाई नहीं है. लेकिन अगर ये जो सर्विस जो हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, वो सर्विस में आएगा और उस पर आरसीएम में बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी. ठीक है, तो इस वजह से पढ़ना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे दो ही लाइनों में लिखा हुआ था सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस. लेकिन यहाँ पर इन्होंने नीचे क्या करा, क्लैरिफाई करा. तो इसे इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, क्लियर है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो हमारी पब्लिक कैपेसिटी में जो भी सर्विस होगी जिसे नोटिफाइड करेंगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरह के ग्रांट दे रही है लाइसेंस माइनिंग राइट किसे अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन आर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होंगे. समझ आई या नहीं? नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन. ठीक है ना, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ सर्विसेज क्या हैं वो नॉन सप्लाई है. जैसे क्या? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग ट्रेन बस ट्रक टैंकर्स ट्रेलर वेसल्स कंटेनर. अब इसमें हो क्या रहा था, अब मान लो मेरे पास एक ट्रक है मेरे पास दिल्ली में, मैंने कुछ माल भेजने के लिए उसे कहाँ भेज दिया, यूपी. तो मैंने माल भेजने के लिए भेजा है ना भाई ट्रक, तो वो माल उतारेगा और वापस आ जाएगा. लेकिन यूपी में किसी ने पकड़ लिया उसे, वो कह रहा भाई तुमने ना ये जो ट्रक आया है ना इस ट्रक की सप्लाई कर दी. तुमने क्या बोला, इस ट्रक की ही सप्लाई कर दी. वो ट्रक जाके बेचारा यूपी में खड़ा हुआ माल उतर रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि माल तो उतर रहा है लेकिन अब मुझे लग रहा है ट्रक भी नहीं जाएगा दिल्ली वापस. समझ में आ रही है बात या नहीं? तो वो क्या कह रहा है कि तुमने क्या कर दिया है, ट्रक की ही सप्लाई कर दी. गवर्नमेंट ने कहा रहे भाई ऐसा मत समझो. कहता है कि अगर कोई इंटर स्टेट मूवमेंट होती है, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन में, किस में जी, रिलेटेड पार्टी जो है हमारी, एक जीएसटी नंबर दूसरा जीएसटी नंबर, तो वहाँ पर अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो उस मूवमेंट में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, एयरक्राफ्ट कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अगर ये सारी चीज़ें, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं ट्रक, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर या रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, तो आप इसे सप्लाई मत मानना, एक्सेप्ट इन द केस वी आर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस. ठीक है, अगर वो सप्लाई है सेम कन्वेंस की तो ठीक है, अदरवाइज मूवमेंट में नहीं माना जाएगा. शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर एज एंड देयर फॉर नॉट बी लाइवीएबल टू आईजीएसटी. समझ में आया? ठीक है, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है तो ठीक है. तो मतलब अगर मैं दिल्ली से यूपी भेज रहा हूँ ट्रक को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेज रहा हूँ, तो आप उसे सप्लाई मत मानना. मैंने वो ट्रक बेचा नहीं है, ठीक है, मैंने या तो ट्रक भेजा गुड्स के लिए या पैसेंजर के लिए या मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स. कई बार कैसे क्या होता है कि हमारे ना कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, यूज़ के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजे तो तब भी आप इसे सप्लाई मत मानना. मान लो मेरा एक कैमरा है मैं भेज दूँ, ठीक है, कि भाई फ़ोटोशूट के लिए, तो वो कह रहा है इन चीज़ों को भी, इंटर स्टेट मूवमेंट को भी आप ना तो सप्लाई मानेंगे गुड्स की ना सर्विस. तो ये कई बार क्या होता है ना, क्लैरिफिकेशन दी जाती है. क्लियर हुआ या नहीं, बोलो जी. हाँ, तो शेड्यूल थ्री क्लियर है. हाँ, तो आशा करता हूँ ये तुम्हें समझ आया होगा. लेकिन ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है. ठीक है, जितना समझ आया उतना बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए. बस आपको ये बात रखनी है कि शेड्यूल थ्री में चीज़ें लिखी हैं तो वो सप्लाई नहीं है. समझ आ गया? अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
हम बात करेंगे किसकी, शेड्यूल टू की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए CA इंटर का, CS इंटर का, ठीक है, या CWA का, तो आप हमारी टीम से बात करके वो फुल कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू जी।